प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रोटा नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या है अंकों का आपके भाग्य से संबंध, साथ ही जन्म की तारीख से ये भी जानेंगे कि आपको जीवन में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, अंकों से आपके भाग्य का पंडित जी क्या संबंध है? सामान्यतः अर्पिता, जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम ग्रहों को देखते हैं और राशियों को देखते हैं। नॉर्मली हम राशियों के आधार पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो अंक हैं, जो नंबर हैं, जो नंबर आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को वैसे ही बता सकते हैं जैसे राशि आपके व्यक्तित्व को बताती है। तो अगर हम अंकों से आपके भाग्य को समझना चाहें तो देखिए, अंक ज्योतिष में हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। हर अंक का एक स्वामी है। एक नंबर का सूर्य, दो नंबर का चंद्रमा, नौ नंबर का मंगल, आठ नंबर का शनि, हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है और इस ग्रह के अनुसार उस अंक के अंदर गुण होते हैं। जैसे एक अंक वालों के अंदर गुण होंगे सूर्य के, पांच अंक वालों के अंदर गुण होंगे बुध के, तीन वालों के अंदर होंगे बृहस्पति के। तो जिस अंक का जो स्वामी ग्रह होता है उसका स्वामी ग्रह का गुण उस अंक के अंदर होता है। जो व्यक्ति किसी विशेष अंक से प्रभावित होता है उसके अंदर उस ग्रह के गुण आ जाते हैं। जैसे दो नंबर का मतलब अगर चंद्रमा होता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो लोग इमोशनल सेंटिमेंटल होंगे। अगर आपको अंकों की शक्ति से लाभ लेना है तो ये लाभ भी आप कुछ विशेष अंकों से पा सकते हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे कि हर अंक वाले को लाभ लेने के लिए कौन से अंक से ताकत लेनी है, लेकिन हर अंक की कुछ खूबियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, और उन खूबियों कमजोरियों को अगर आप समझ लें तो निश्चित रूप से आप अपने आप को शक्तिशाली बना पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपनी जन्म की तारीख पता होती है, साल पता नहीं होता, समय पता नहीं होता, तो आप अपनी राशि के बारे में बहुत ठीक से जान नहीं पाते, अपने भविष्य का आकलन नहीं कर पाते। लेकिन आज आप जानेंगे कि केवल जन्म की तारीख के आधार पर हम आपको आपके जीवन की हर महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस तिथि को, जिस तारीख को आपने जन्म लिया, वो आपकी जिंदगी में किस तरह का प्रभाव डालेगी, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे अंकों से आपके भाग्य से जुड़ाव का, उसमें क्या असर भाग्य का आता है, पंडित जी, अंक केवल जन्म की तिथि ही फर्क डालती है या फिर जैसे आपका घर का नंबर एक है या दो है उसका फर्क भी पड़ता है, या फिर बहुत सारे लोग अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो क्या उसमें भी तिथि देखकर ही करना चाहिए, वहां पे भी अंकों का खेल होता है? देखिए, जैसे मान लिया आपका अंक है एक, आपकी जन्म तारीख मान लिया किसी महीने की 10 तारीख है, तो जो एक का नंबर है ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालेगा। अब आप जब घर ले रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उस घर का नंबर एक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, आपके ऑफिस का नंबर एक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। यानी आपका जो नंबर है वो कभी नहीं बदलेगा, और आपको ध्यान रखना होगा कि जीवन में जहां जहां आपको नंबर चुनना है वहां वहां आप ध्यान दें। गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके फ्लैट का नंबर, सबके नंबर आपके नंबर के साथ अगर तालमेल बैठा लेंगे तो आपको हर जगह लाभ होने की संभावना बन जाएगी। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 1, 10, 19 और 28 है तो आपके भाग्य के साथ इसका क्या संबंध है, पंडित जी से वो समझते हैं। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अगर एक है, 10 है, 19 है, 28 है, तो इसका टोटल करेंगे तो सबका टोटल एक आएगा। यानी यहां पे जो नंबर आ गया वो हो गया एक नंबर, यानी आप एक नंबर वाले आदमी हैं। एक नंबर जो है यहीं से गिनती की शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम स्टार्टिंग का नंबर भी कहते हैं, निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का नंबर और शुरुआत का नंबर मानते हैं। इस अंक का जो स्वामी है वो सूर्य है,
पहला नंबर ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तेजस्वी सूर्य पहला नंबर उसको दिया गया। सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा, नाम, यश इस अंक के पास होती है। इनके लिए एक नंबर वालों के लिए जो एक, चार और सात के अंक वाले हैं वो अच्छे मित्र होते हैं, यानी जिनकी जन्म की तारीख का टोटल एक होता है या जैसे चार होता है, आपकी जन्म तारीख 22 नवंबर है या 13 तारीख है तो टोटल चार हो गया, या आपकी डेट 16 मार्च है या आपकी डेट 25 तारीख है तो सात हो गया। तो आपके लिए एक, चार और सात वाले अच्छे मित्र होते हैं। एक अंक का जो परम शत्रु अंक है, जो मैक्सिमम अपोजिट नंबर है, वो आठ का नंबर है। आपका नंबर है एक और आप 404 नंबर के घर में रहने चले गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक अंक वालों को आठ अंक से दूर रहना चाहिए। लाल रंग इनके लिए सर्वाधिक शुभ होता है, सर्वाधिक फायदेमंद होता है और इनको काले रंग से परहेज करना चाहिए। देखिए, एक का मतलब 90% मामलों में अगर आपका नंबर एक है तो आप लीडर होंगे, आप छोटी जगह पे भी रहेंगे तो रूल करेंगे, आपके पास ताकत होगी, आप आगे बढ़ेंगे, समाज को दिशा दिखाएंगे। अब काले रंग से एक तो परहेज करिए क्योंकि उससे आपको डिप्रेशन पैदा होगा, और सफलता के लिए पीले कागज पर एक लिख करके अपने पास रखिएगा। एक स्क्वायर, चौकोर, रेक्टेंगल नहीं, चौकोर पीला कागज लिखी लीजिए और उस पर एक नंबर लिखिए किसी भी दिन सुबह के समय में, और इस नंबर को अपने पर्स में, अपने काम करने की जगह पर, अपने ऑफिस में, अपने बैग में रखना शुरू कर दीजिए। सफलता मिलना आपके लिए सरल हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आपने कहा अभी 404 के घर में अगर वो रह लें, आठ नंबर आ गया एक वालों के लिए, अगर कोई सिचुएशन में है, क्योंकि घर तो हर हमेशा खरीदता नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या कोई उपाय है जिससे आपके ये अंक जो है वो आपके लिए उतने दुखद परिणाम ना दे? देखिए, जितने भी अंक हैं पिता, एक से लेकर नौ तक के, उसमें जो आठ का अंक है ना, वो बड़ा स्ट्रगल जीवन में पैदा करता है, बड़ा संघर्ष पैदा करता है, बड़े सारे उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसीलिए आठ का अंक जब भी जीवन में टकराएगा वो संघर्ष बढ़ाएगा। इसीलिए आठ के अंक को काउंटर करने के लिए हमेशा 24 के अंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने 404 नंबर का फ्लैट ले लिया है तो जहां 404 लिखा है उसी के नीचे एक छोटे से कागज पे 24 लिख करके चिपका दीजिए। 24 का नंबर अंक ज्योतिष में मैजिकल नंबर है, और जब 24 का नंबर आता है तो वो किसी भी नंबर की निगेटिविटी को दूर कर सकता है। तो अगर आपने गलत फ्लैट ले लिया है, नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो 24 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल करके आप इसे बेहतर कर सकते हैं। ये हर अंक के लिए है? ये हर अंक के लिए। आठ को काउंटर करने के लिए 24 के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जी। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपका जन्म महीने के 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो भाग्य जो है वो आपसे किस तरीके से प्रभावित होगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, वो पंडित जी समझते हैं जी। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, टोटल करके देखें 2 नंबर, 2 नंबर को सुपरस्टार नंबर कहा जाता है। भारतवर्ष में जितने भी सुपरस्टार हुए हैं नॉर्मली उनका नंबर 2 है। टोटल इस नंबर को कहते ही हैं कि ये नंबर बहुत सारा प्रकाश पैदा करता है, बहुत सारा ग्लैमर पैदा करता है। हालांकि इससे बड़ा भी ये ग्लैमर का नंबर है, लेकिन फिर भी 2 के पास भी क्रिएटिविटी बहुत होती है। ये जो 2 का नंबर है ये मुख्यतः चंद्रमा का नंबर है, ये संबंधों का और रिश्तों का नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं आता या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं आता तो यह रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। यह अंक संबंधों और रिश्तों को बनाता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। अगर 2 अंक जीवन में नहीं है तो संबंध और रिश्तों की मुश्किल पैदा होगी। इस अंक का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। कोमलता,
सौंदर्य, कला और प्रसिद्धि इस अंक में पाई जाती है। क्रिएटिविटी के मामले में, किसी नई चीज को सोचने के मामले में, डिजाइन के मामले में, कला के मामले में दो का अंक बड़ा शानदार अंक है। इनके लिए 2, 5 और 6 के अंक शुभ होते हैं। जिन अंकों का टोटल 2 होगा, 5 होगा या 6 होगा वो इनके लिए बढ़िया होगा। इन्हें 7 अंक से दूर रहना चाहिए। 7 नंबर अक्सर 2 नंबर वालों के ऊपर हावी हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी को दबा देता है। सफेद रंग 2 अंक वालों के लिए सर्वाधिक शुभ होता है, सर्वाधिक मंगलकारी होता है। नीले रंग से इन्हें दूर रहना चाहिए। ब्लू कलर का इस्तेमाल ये ना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपका मैजिकल नंबर है 22। एक चौकोर सफेद कागज लीजिए, स्क्वायर वाइट पीस ऑफ पेपर, और उस पर 22 लिख करके, उस पर 22 लिख करके उस कागज को अपने पास रखिए, अपनी दराज में, अपनी मेज में, अपने काम करने की जगह पर, अपने पर्स में रखिए। निश्चित रूप से 2 अंक को शक्ति मिलेगी और आपको लाभ होगा। पंडित जी, जैसे आपने कहा रंगों का इस्तेमाल, तो वो किन चीजों में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या गाड़ी खरीदने में, या फिर जो आपने रंग का जिक्र किया कि अभी आपने कहा नीले रंग, बहुत लोगों की ऑफिस की ड्रेस ही नीली है तो उनके लिए, उनको तो रोज वही रंग पहन के जाना है, तो वो उससे कैसे बच सकते हैं और ये कितना असर डाल देगा? अर्पिता, सबसे ज्यादा जो रंग असर डालते हैं वो आपके वस्त्रों में डालते हैं, क्योंकि एक तो आपकी शरीर से वो टच कर रहे हैं, वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं, दूसरा उसी रंग में आदमी आपको देख रहा है। आप खुद क्या कपड़े पहने हैं जब आप मिरर के सामने जाएंगे तभी देख पाएंगे, अदरवाइज उसी रंग में आपका व्यक्तित्व दूसरे को दिखाई दे रहा है, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव तो वही रंग डालेगा। अब जैसा आपने कहा कि भाई किसी की ऑफिस की ड्रेस ही नीली हो तो वो क्या करे अगर 2 नंबर वाला है, तो उनका जो लकी रंग है वो है वाइट, सफेद। तो वो सफेद रंग का एक रुमाल अगर रेगुलर अपने पास रखना शुरू करें तो बाकी रंगों की निगेटिविटी से वो बचेंगे। लेकिन जब ऑफिस ना हो, सामान्य चीजें हो, तो वहां पर नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी जन्म तारीख 3, 12 है, 30 है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका भाग्य कैसा रहेगा पंडित जी? बिल्कुल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, 3 नंबर आ जाता है, 3 नंबर को 3rd नंबर पर रखा गया। पहले सूर्य यानी शासन, जन्म, दूसरा चंद्रमा यानी मदर, पोषण, नोरिशमेंट। तो जन्म लेने के बाद और माता के सपोर्ट पाने के बाद फिर डेवलपमेंट होता है बुद्धि का, ब्रेन का विकास होता है, ज्ञान का। तो 3rd स्थान दिया गया जुपिटर को, बृहस्पति को। ये बृहस्पति का अंक है, 3, 12, 21 और 30 ये बृहस्पति के अंक हैं, और ये ज्ञान का अंक है, विद्या बुद्धि का अंक है। सामान्यतः आप 3 नंबर वालों को देखिए, अपने विषय के बारे में वो जानते होंगे, हो सकता है उन्हें बाकी विषयों की जानकारी ना हो, लेकिन जो विषय उनका है, जो काम उनका है, उसके बारे में वो ठीक से जरूर जानते होंगे। इस अंक का स्वामी बृहस्पति है। हर तरह के ज्ञान और वाणी की क्षमता इस अंक के अंदर पाई जाती है। हर तरह का ज्ञान और हर तरह की वाणी इस अंक में होती है। इनके लिए 2 नंबर और 5 नंबर शुभ होते हैं। इन्हें 9 के अंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 9 अंक वालों के अंदर एग्रेशन का अभिमान और इनके पास ज्ञान, तो ज्ञान और क्रोध दोनों साथ में नहीं चल सकते, इसलिए 9 अंक से सामान्यतः इन्हें दूर रहना चाहिए। पीला रंग इनके लिए सर्वाधिक शुभ होता है, अगर ये पीले रंग का प्रयोग करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और ब्राउन कलर यानी भूरे रंग से इनको परहेज करना चाहिए। अब सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए जो आपका मैजिकल नंबर है वो है 333, 333। एक चौकोर पीले कागज पर 333 लिख करके
अपने पास में आपको रखना है, अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने काम करने की टेबल पर आप इसको रखना शुरू करिए। जीवन में चीजें आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो 333 का इस्तेमाल करिए, पीले कागज पर लिख करके, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कागज में नाम लिख, ये आप अक्षर अंक लिखकर आप रख लें, इसको कैसे रखें अपने पास, कब रखें, घर पे रखना है या हमेशा उसको अपने साथ रखना है, किस तरीके से अपने साथ रखना है? अर्पिता, जितने भी रंग हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा जिस रंग को ताकतवर कहा जाता है वो लाल रंग है। इसीलिए हम खतरे का निशान लाल बनाते हैं कि दूर से वो दिखाई दे, बहुत दूर तक उसकी पहुंच होती है। तो जो आप नंबर लिखेंगे पहले, तो वो लाल इंक से लिखेंगे, चाहे आपको लाल सूट करता हो या ना करता हो, पेपर का रंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो नंबर्स आप लिखेंगे वो रेड से लिखेंगे। दूसरा, आप कई सारे नंबर बना लीजिए स्क्वायर पीस पर, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, और उसको बनाने के बाद एक अपने पर्स में डाल दीजिए, एक अपने टेबल के दराज में डाल दीजिए, एक अपने गाड़ी में डाल दीजिए, और जब आप डालें तो याद रखें कि किस समय में रखा था। लगभग एक साल तक इसका प्रभाव बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जो उनका लकी नंबर होता है वो अपनी हथेलियों पर लिख लेते हैं और रोज लिखते हैं, रोज मिटाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उस अंक का प्रभाव उनके ऊपर बना रहे, बार बार देखेंगे तो बार बार वो अंक उनके दिमाग में चलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिन नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंक के हिसाब से पेपर का कलर क्या है, और लाल रंग से आपको लिख करके स्क्वायर पीस पर अपने पास रख लेना। अगर हाथ में भी लिख रहे हैं तो लाल कलर से ही लिख। करेक्ट, बिल्कुल सही। और जैसे आपने तीन के लिए बताया कि नौ जिनका अंक हो उनके साथ नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो गई, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, तीन वालों को ज्यादा उपाय की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में जिन अंक वालों को प्रॉब्लम होती है वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन तीन वाले नॉर्मली एडजस्ट कर लेते हैं, तो तीन वालों को समस्या नहीं होती है, समस्या नौ वालों को होती है। इसलिए तीन और नौ अगर है तो तीन वालों के लिए मुश्किल नहीं है, नौ वाले सोचते रहे कि उन्हें क्या करना है। दूसरा ये है कि तीन वाले अगर अपनी बुद्धि पर भरोसा करें, ज्ञान पर भरोसा करें, तो वो सब कर सकते हैं। जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब मामला बिगड़ता है, अन्यथा तीन वाले चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंक चार की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 है तो आपके भाग्य के साथ इसका क्या जुड़ाव है? पंडित जी, ज्योतिष का जो सबसे मिस्टिकल नंबर है, रहस्यमयी नंबर है, वो चार है। चार का मतलब होता है राहु, जो कब क्या कर देगा, कब क्या बदल देगा, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो चार नंबर को समझ पाना, चार नंबर वालों को समझ पाना बहुत कठिन काम है। चार नंबर यानी आपकी जन्म तारीख महीने की 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, तो ये जो अंक है ये परिवर्तन, उतार चढ़ाव, विस्फोट और रहस्य से संबंध रखता है। इस अंक को कुछ ज्योतिषियों ने सूर्य का निगेटिव अंक कहा है, लेकिन वास्तव में यह अंक राहु का अंक है या हर्षल का अंक है। हर तरह की रहस्यमयी शक्ति इस अंक के अंदर पाई जाती है। इनके लिए 1, 2 और 6 के नंबर शुभ होते हैं। 6 मिल जाए चार वालों को तो जिंदगी बदल जाती है, या 2 मिल जाए चार वालों को तो भी जिंदगी बदल जाती है। चार वालों को 8 के अंक से दूर रहना चाहिए। भैया, 4 का नंबर राहु का, 8 का नंबर शनि का, दोनों मिल गए, वो उनके जीवन में संघर्ष पैदा कर रहे हैं, वो उनके जीवन में संघर्ष पैदा कर रहे हैं, तो इन्हें सामान्यतः 8 के अंक से दूर रहना चाहिए। चमकदार नीला कलर, ब्राइट ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ब्लू का कोई भी शेड अच्छा है, लेकिन चमकदार नीला रंग इनके लिए ज्यादा बेहतर है। लाल रंग या इसके शेड्स इनके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आसमानी कागज पर, स्काई ब्लू पेपर पर 13 लिख करके अपने पास रखिए। चार नंबर की कैटेगरी में सबसे ताकतवर नंबर है 13।
तो 13 लिख करके आप लाइट ब्लू पेपर पे अपने पास रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंक 5 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 हो तो आपके भाग्य के साथ कैसा आपका भाग्य रहने वाला है पंडित जी? 3 का नंबर बृहस्पति का, ज्ञान धर्म शक्ति। 5 का नंबर बुद्धि का, 3 से बड़ा मिलता जुलता इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 5 का जो नंबर है वो बुद्ध का नंबर है, तो बुद्धि और ज्ञान तकरीबन एक जैसी बातें लगती हैं, इसलिए 5 वालों के अंदर भी 3 के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो तो आप ये पक्की तौर से जानिए कि आपके पास गजब की बुद्धि, गजब की वाणी और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति रहेगी। इस अंक को बुध का अंक कहा जाता है, मरकरी का। हर तरह की बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस अंक में पाई जाती है। इनके लिए 1, 3 और 6 के नंबर हमेशा शुभ होते हैं। अगर 3 वाले 5 के साथ मिल जाएं तो चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। कहते हैं ना, ज्यादा 3-5 मत करो, वो 3-5 का मतलब है कि बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो जाती है। तो इनके लिए 1, 3 और 6 का अंक शुभ होता है। इन्हें 9 के अंक से दूर रहना चाहिए। वही समस्या है कि इनके पास बुद्धि बहुत है, उनके पास फोर्स बहुत है, तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। हरा रंग, ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें तो इनको लाभ होता है। इनको काले रंग से सामान्यतः परहेज करना चाहिए, क्योंकि 5 अंक वाले बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। तो अगर ये काले रंग से परहेज करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। सफलता अगर आप चाहते हैं तो ग्रीन पेपर पर, स्क्वायर चौकोर ग्रीन कागज पर 505 लिख करके अपने पास रखिएगा। ग्रीन कागज पर, चौकोर हरे कागज पर 505 लिख करके अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, तो अंक 5 की हमने बात कर ली, बाकी बढ़ रहे हैं अंक 6 की हम बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 6, 15 या फिर 24 है तो आपके भाग्य के साथ इसका क्या संबंध है वो समझते हैं। 2 का अंक आपको पहले बताया था अर्पिता की क्रिएटिविटी का है, लेकिन जिस अंक के पास दुनिया का सारा ग्लैमर है, जिस अंक के पास कला है, फिल्म है, ग्लैमर है, मॉडलिंग है, सौंदर्य है, सबसे बड़ा अंक 6 का नंबर, उसका स्वामी है शुक्र, जिसको हम ग्लैमर का सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर, आपका गवर्निंग नंबर 6 है। अद्भुत सौंदर्य, ग्लैमर और चकाचौंध से भरा हुआ नंबर है। यह अंक शुक्र से संबंध रखता है और इस अंक वाले प्रेजेंटेशन के महारथी होते हैं। 6 अंक की महिला है, आप उसकी दराज देखिए, कॉस्मेटिक्स भरी पड़ी होगी। 6 अंक के पुरुष हैं, फैशन भयंकर करते होंगे, रोज कपड़े बदल लेते होंगे, तो इस अंक वाले प्रेजेंटेशन के महारथी होते हैं। ये लोग फिल्म में, चिकित्सा में, मीडिया में, शिक्षा में और कला में काफी सफल होते हैं। इनके लिए 2, 3 और 4 के अंक शुभ होते हैं। 4 वालों को तो वैसे भी 6 मिल जाए तो उनकी लॉटरी है, लेकिन इनके लिए, इनको जो नंबर बड़ा सूट करता है वो नॉर्मली होता है 3 का नंबर। उसके अलावा 2, 3 और 4 इनके लिए बड़े शुभ होते हैं। 8 का अंक इनके जीवन में बड़े सारे अपयश पैदा करता है। अगर 8 नंबर जीवन में आ गया, तरक्की तो आप तब भी करेंगे, लेकिन 8 का नंबर अगर आ गया तो एक तरफ फेम भी मिलेगा और एक तरफ डीफेम भी मिलेगा, यानी दोनों तरफ से आप फंसेंगे, तो 8 के अंक से थोड़ा दूर। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट व्हाइट कलर इन्हें सूट करता है। ब्राउन कलर से इनको सामान्यतः परहेज करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अंक ज्योतिष की दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है 24, तो इनका तो वैसे ही नंबर है 24, 6 नंबर,
तो इनको सफेद कागज पे, व्हाइट पेपर पे, स्क्वायर व्हाइट पेपर पे 24 नंबर लिख करके अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि किसी की जिंदगी में अगर 8 अंक आ जाता है तो वो उनसे बचना चाहिए, ये 8 अंक क्या सिर्फ पति का हो सकता है, बॉस का हो सकता है, डायरेक्टर का हो सकता है, या किसका हो सकता है जो 8 अंक का आप जिक्र कर रहे हैं? जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालता है, अगर उसका अंक 8 का होगा तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। देखिए, बच्चों का तो हम चुनाव कर नहीं सकते, वो हमारा प्रारब्ध है। पति पत्नी भी हमें लगता है कि हम चुनते हैं, लेकिन वो भी हमारा प्रारब्ध है। अगर हमें 8 अंक वाले से प्रेम हो जाएगा तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई हमारा 1 नंबर हम प्रेम नहीं करेंगे। 8 का अंक है, हो गया प्रेम, हो गई शादी। तो अगर वो अंक आपके जीवन में ज्यादा है तो वो असर ज्यादा डालेगा। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम आपको लगातार मैजिकल नंबर के बारे में बता रहे हैं कि उन नंबरों का प्रयोग करके आप उसे कम कर सकते हैं। वैसे आप देखिए, कभी भी आप देखिएगा कि जो 8 अंक वाले होते हैं उनके जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि अगर वो बहुत तरक्की कर भी गए, बहुत ऊंचाई पे पहुंच भी गए, तो एक सन्यासी की तरह, एक आइसोलेटेड आदमी की तरह जीवन जीना पड़ जाता है इनको। 8 का अंक आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक जगत के लिए इसको बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता। अब अंक 7 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 हो तो आपके भाग्य के साथ संबंध इसका क्या है? बिल्कुल, 7 जैसे 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का, ये भी अंक बड़े सारे उतार चढ़ाव जीवन में दिखाता है। हालांकि 7 अंक वालों को मैं मानता हूं कि अपने काम के बड़े मास्टर होते हैं, जो काम जानते हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें दूसरों का काम जीवन में बहुत करना पड़ता है, दूसरों की जिम्मेदारियां बहुत उठानी पड़ती हैं 7 वालों को। ये इनके जीवन का प्रोमिनेंट फीचर है। 7 का जो अंक है ये आध्यात्म का अंक है, ज्ञान का अंक है, धर्म का और उतार चढ़ाव का अंक है। ये अंक केतु का अंक है, कहीं कहीं पर इसको नकारात्मक शुक्र भी कहते हैं। इस अंक वालों के पास इंट्यूशन होता है, आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानते हैं और लिखने की क्षमता भी होती है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सनकी बहुत होते हैं। एक बार कोई बात दिमाग में आ गई, सनक सवार हो गई, तो सनक में अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनके लिए 4, 5 और 8 के अंक शुभ होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि 8 का अंक सबके लिए शुभ होता है, 7 अंक वालों को 8 नंबर बहुत सूट करता है। 4, 5 और 8 का अंक इनके साथ रहता है, इन्हें 1 नंबर से बचना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर वालों के साथ इनका क्लेश ज्यादा होता है। सफलता के लिए सफेद कागज पर 77 77 ये लिख करके अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो। अब अंक 8 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 8 है, 17 है या 26 है तो आपके भाग्य के साथ इसका क्या संबंध है? अब देखिए अर्पिता, 8 के साथ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस्त, यानी 6 नंबर, मोस्ट लकी नंबर। और जब गणतंत्र हुआ तो नंबर आ गया 26 जनवरी, वो नंबर आ गया 8। तो देखिए, 6 और 8 होने की वजह से, एक तो 8 है तो भारत के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, संघर्ष देशवासियों को, देश को बहुत करना पड़ा है, हमने पिछले 75 सालों में देखा है, पढ़ा है। और 6 नंबर पे चूंकि स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त है, इसलिए वो हर बाधाओं को क्रॉस करके निकल जाता है। 8 को बैलेंस एक ही नंबर कर पाता है ठीक से, वो 6 का नंबर है। और देखिए कितना बढ़िया इंसिडेंस है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 8 भी आ गया और 6 भी आ गया, दोनों चीज यहां पर बहुत कॉमन दिखाई देती है। और 8 अंक वालों के साथ, देखिए पहले तो आप ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि 8 का अंक बहुत बुरा है, इस देश में प्रधानमंत्री भी 8 अंक वाले हुए हैं, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 8 अंक वाले कुछ नहीं कर पाते। ये अंक संघर्ष का है, मेहनत का है और धीमे धीमे सफलता देता है। ये शनि का अंक है, इनको जीवन में कोई भी चीज आसानी से सामान्यता नहीं मिलती है, अक्सर चाहते कुछ हैं, होता कुछ है। चाहते हैं कि सन्यास लेंगे, पहुंच जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में,
कानून, पत्रकारिता, राजनीति और फैक्ट्री इंडस्ट्री में ये बहुत सफल होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। ब्राइट ब्लू कलर और पिंक कलर, गुलाबी रंग, इनके लिए बहुत शुभ होता है और इनके लिए 2, 6 और 7 के नंबर हमेशा शुभ रहते हैं। 8 अंक वालों को 8 अंक से जरूर बचना चाहिए। वैसे 8 अंक वाले अपने जीवन में देखें तो घूम घूम के उनके जीवन में 8 का नंबर आएगा या वो ले आते हैं जाने अनजाने, और इस चक्कर में उपद्रव बहुत होते हैं, दिक्कतें बहुत होती हैं। तो इन्हें 8 वालों को भैया 8 को नमस्ते कर लेना चाहिए, बाकी नंबर तो फिर भी चलेंगे लेकिन 8 वाले 8 से दूर रहें, 4 अंक से भी बचे तो आपके लिए बेहतर होगा। सफलता के लिए नीले कागज पर 62 लिखिए, ब्लू पेपर पे 62, 6 आपका सबसे फेवरेबल नंबर, 2 आपका बैलेंसर, 62 लिख करके अपने पास रखिए, आपको फायदा अवश्य होगा। नितिन का सवाल है जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, वो कैसे दूर हो पाएंगे? अब देखिए अर्पिता, हम 8 की बात कर रहे थे, 8 नंबर वाला ही प्रश्न है ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1994, जन्म का समय है दोपहर के 3:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं मेरे स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें लगी रहती हैं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की समस्या 70-80% साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, प्रॉब्लम है, थोड़ा डाइजेशन गड़बड़ है आपका, ये मानते हैं, और थोड़ी बहुत नर्व की भी समस्या है, लेकिन ज्यादातर समस्या आपकी साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। तो सबसे पहले आप किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से जितने समय तक वो कहते हैं उतने समय तक करवाइए। दूसरा काम करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अंक 9 की बात करते हैं, यानी अगर आपकी जन्म तारीख है 9, 18 या 27 तो भाग्य से आपका क्या संबंध होगा, पंडित जी समझते हैं। 9 नंबर एक तो अंकों का अंतिम नंबर है, सिंगल डिजिट यहीं पे खत्म हो जाते हैं जी। 9 अंक एक बहुत ताकतवर नंबर है, 9 के साथ आप कोई भी नंबर जोड़िए उसका टोटल वही नंबर वापस आ जाएगा, यानी 9 में 1 जोड़िए 10 होगा, फिर उसको जोड़िए 1 आ जाएगा, यानी 9 के साथ कोई भी नंबर आप जोड़ेंगे मिलेंगे 9 अंक के साथ तो आपकी ताकत बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने 9 से झगड़ा किया तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा करके देखिए उसका टोटल 9 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसलिए 9 अंक के साथ झगड़े बिल्कुल मत करिए, शांति से रहिए, क्योंकि उनसे टक्कर ले पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, मिल करके रहिए, प्रेम से रहिए, तो 9 अंक वाले बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, बहुत मजबूती से समस्याओं का सामना भी करते हैं। 9 अंक जो है ये ऊर्जा का, शक्ति का, साहस का और उपद्रव का अंक है। इस अंक का स्वामी मंगल है और आम तौर पर इस अंक वाले सेना में, टेक्नोलॉजी में, दौड़ भाग वाले काम में और शासन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सफल होते हैं। अन्य क्षेत्रों में जाने पर भी अपना दबदबा, अपनी ताकत कायम रखते हैं। इनके लिए लाल और क्रीम रंग के सारे शेड्स बढ़िया होते हैं। इन्हें 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर लाभ पहुंचाता है। इनको 7 के अंक से बचाव करना चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफेद कागज पर 99 लिख करके अपने पास रखिएगा, आपको लाभ होगा। मैं फिर बता दूं कि जो मैजिकल नंबर है वो स्क्वायर पेपर पर लिखा जाएगा, चौकोर कागज पर 99 लिखिए और ढेर सारा 99 लिख के अपनी हर महत्वपूर्ण जगह पे रख दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल, तो यानी किस तरीके से जिस तारीख को आप जन्म ले रहे हैं वो आपके भाग्य से कैसे जुड़ा रहता है वो हम बात कर रहे थे। और एक बार पहले भी हमने पंडित जी इस पर बात की थी कि बहुत सारे लोग अब तारीख जो है अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चा जो है सिजेरियन हो रहा है तो आपने डॉक्टर को बता दिया पंडित से विचरा के कि इस तारीख को करेंगे, वो कितना असर डालता है, क्या वो तरीका किया जा सकता है, उसका फायदा या कोई नुकसान देखते हैं आप? पहले तो बता दूं अर्पिता कि अंक ज्योतिष जो है वो बड़ा लिमिटेड है, बहुत डीप नहीं बता सकता। हाँ, सहायता आपकी कर देगा लेकिन बहुत डिटेल्ड नहीं। डिटेल्ड के लिए आपको भारतीय ज्योतिष पर ही जाना पड़ेगा और भारतीय ज्योतिष के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय ज्योतिष ये नहीं कहेगा कि आप 8 अंक वाले हैं तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय ज्योतिष कहेगा कि कुंडली में संघर्ष है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर लें आप टाइम फिक्स नहीं कर पाएंगे। 4 मिनट में भारत में कुंडलियां बदल जाती हैं बहुत माइन्यूटली। तो आप यही कर सकते हैं ना कि भाई 9 बजे से 10 बजे के बीच में बच्चा पैदा हो जाए, इससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप मिनट तक की शुद्धता ला नहीं सकते। तो आप कर कुछ नहीं सकते हैं। हाँ, प्रयास करके देख लीजिए लेकिन होगा वही जो परमात्मा ने उसके प्रारब्ध में लिखा होगा, उसी समय पर उसका जन्म होगा और उसी तरह की उसकी कुंडली बन पाएगी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंक के हिसाब से हमने जाना कि जिस तारीख को आप जन्म लेते हैं वो आपके लिए भाग्य कैसा लेकर आता है। आगे किसी और मुद्दे पर और किसी टॉपिक पर बात करेंगे पंडित जी से। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।